सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है। कंप्यूटर आप सभी का चल रहा है कक्षा 10वीं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर का परिचय। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आप सभी को सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज को लिए हुए। जस्ट आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ वीडियोज़ को शेयर करिए, ठीक है। अब आप शेयर करेंगे तो सभी वीडियोज़, सभी लेक्चर, सभी स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा तो बहुत से स्टूडेंट्स का हेल्प एक साथ हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर से बताइए कि आप सभी ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, कंप्यूटर का परिचय। इसका वीडियो का लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये टॉपिक सब बताया हुआ था। कंप्यूटर के बारे में इसके क्या विशेषताएं होती हैं वो बताया था, कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं वो भी आपको बता दिया गया है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में कवर हुआ था। लेक्चर नंबर थर्ड हमारा आज है, आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास, मीन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड नोट्स आपको ये चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास। बेसिकली ये हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड लाइव क्लास है। सो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नेम अगर आप लिख देंगे और प्रेजेंटी लगा देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप सभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। कंप्यूटर का इतिहास, बेसिकली ये टॉपिक हमारा है क्या, इसमें हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर का इतिहास मीन कि ये कंप्यूटर हमारा सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है, वो दिखने में कैसा था। तो यही सब जो है डिटेल्स आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ना है। जैसे मानव का इतिहास आपने पढ़ा होगा कि पहले मानव कैसा था, ठीक है, फिर उसके बाद उसका अगला लेवल आया, फिर उसके बाद अगला उसका जो है पीढ़ी आया। उसी प्रकार जो कंप्यूटर था उसका जो वर्जन, मोबाइल में आपने वर्जन देखा होगा कि पहले कुछ और वर्जन रहता है, फिर बाद में कुछ और वर्जन हो जाता है। तो उसी प्रकार वर्जन का जो है चेंज होता रहता है, इंक्रीमेंट होता रहता है एंड अपडेट होता रहता है। तो यही है हमारा कंप्यूटर का इतिहास। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का इतिहास टॉपिक है हमारा। तो आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन उसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर के इतिहास का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। तो देखिए पहले जो थे वो इस तरह के कंप्यूटर नहीं थे हमारे पास। पहले जो था वो कंप्यूटर कुछ जो है इतना अच्छा नहीं था, जिसमें इतने अच्छे तरीके से इतना जो है क्लियरिटी के साथ वर्क नहीं होता था। तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर क्या था कंप्यूटर के इतिहास में, अबेकस, ठीक है। अबेकस जो था हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था। यह देखिए आगे लिखा हुआ है, सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। इसे 16वीं शताब्दी में चीन में बनाया गया था। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने व वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता था। तो देखिए सबसे पहला कंप्यूटर हमारा क्या था, उस कंप्यूटर का नाम था अबेकस, ठीक है। इसको चीन में जो है बनाया गया था, यह सबसे पहला हमारा कंप्यूटर था। इसका जो यूज़ है वो क्या करने के लिए, प्लस माइनस, एडिशन, सबस्ट्रैक्शन और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको अबेकस के बारे में। ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको सबके बारे में लेना है। सेकेंड है हमारा पास्कलाइन, ठीक है। पहला है हमारा अबेकस, दूसरा है हमारा पास्कलाइन। तो देखिए पास्कलाइन के बारे में, यह प्रथम मैकेनिकल एंडिंग मशीन है, ठीक है, एडिंग मशीन है। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने सन 1642 ईस्वी में फ्रांस में किया था, ठीक है। तो ये हो गया पास्कलाइन के बारे में, जो हमारा कंप्यूटर के इतिहास में दूसरा कंप्यूटर है हमारा। यह जो है सबसे फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है, ठीक है। यह मशीन जो रहता है वो किसके सिद्धांत पर वर्क करता है, घड़ी के सिद्धांत पर वर्क करता है, ओडोमीटर के सिद्धांत पर वर्क करता है। और इसका जो है आविष्कार किया था वो ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में फ्रांस में किया था, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। अब थर्ड नंबर हमारा है टॉपिक, वो है जिकार्ड्स लूम। यह कैसा कंप्यूटर है इसके बारे में आइए डिटेल देखते हैं। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी, ठीक है, जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए
कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसका आविष्कार जोसेफ मैरी जैकार्ड ने सन 1801 ईस्वी में फ्रांस में किया था। ठीक है, तो जैकार्ड्स लूम कैसा था? यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के लिए डिज़ाइन डालने के लिए छेद थे। ठीक है, छेद किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कार्डों का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग जो है आविष्कार जोसेफ मैरी ने सन 1801 ईस्वी में फ्रांस में किया था। ठीक है, अब फोर्थ नंबर हमारा है डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन के बारे में आइए देखते हैं। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज में बैबेज ने सन 1822 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन के बारे में हम देखते हैं। जो ये मशीन था, इसकी सहायता से बेसिकली क्या किया जाता था, जो हमारे अलजेब्रा के जो है क्वेश्चंस थे, बीजगणित के जो थे, उसका जो हम मान, उसका जो वैल्यू था, वो हम दशमलव के 20 स्थान बाद तक भी हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते थे, वो भी पूरी शुद्धता से। ठीक है, इसका आविष्कार सर चार्ल्स बैबेज ने सन 1822 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। ठीक है, फिफ्थ नंबर है एनालिटिक्स इंजन। इसके बारे में हम देखते हैं। तो यह एक ऐसा मैकेनिकल मशीन है, इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार भी चार्ल्स बैबेज द्वारा सन 1837 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। यह पहला सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर है हमारा क्या है एनालिटिकल इंजन। तो ये जो है एक मैकेनिकल मशीन है, इसका प्रयोग जो होता है सभी किसी भी टाइप्स का जो है मैथमेटिकल जो है गणना करना होता था, तो इसका उपयोग किया जाता था। इसको भी किसने बनाया था? सर चार्ल्स बैबेज के द्वारा आविष्कार किया गया था सन 1837 ईस्वी में इंग्लैंड में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे सिक्स नंबर, कौन सा मशीन है हमारा? ये है टेबुलेंटिंग मशीन। ठीक है, सिक्स नंबर हमारा है टेबुलेंटिंग मशीन। इस मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1890 की जनगणना हेतु किया गया था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर हरमन होलरेथ ने सन 1880 ईस्वी में अमेरिका में किया था। तो टेबुलेटिंग मशीन जो था, इसका बेसिकली यूज किस लिए किया गया था, इसको किस लिए बनाया गया था? तो इसका यूज जो है वो जनगणना हेतु किया गया था। ठीक है, डॉक्टर हरमन होले रीथ ने सन 1880 ईस्वी में अमेरिका में जो है किया था इसका आविष्कार। ठीक है, उसके बाद हमारा सिक्स नंबर है मार्क वन, या जो है एक विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसका आविष्कार हार्वर्ड आइकन ने सन 1937 ईस्वी में अमेरिका में किया था। ठीक है, तो मार्क वन क्या था? यह वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट पूर्ण स्वचालित, मतलब खुद से चलने वाला विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। ठीक है, विद्युत के द्वारा खुद से चलने वाला जो है यंत्र था, इसका उपयोग हार्वर्ड आइकन ने सन 1937 में अमेरिका में किया था। अब आता है हमारा एट्थ नंबर एनियक। ठीक है, एनियक के बारे में हम देखते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एनियक जो है यह बीस एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। इसका प्रयोग इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। इसका आविष्कार JP एक्ट और जॉन मॉचली ने सन 1946 ईस्वी में अमेरिका में किया था। एनियक का पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ठीक है, तो एनियक के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। एनियक एक ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंतर्गत जो है एक्यूमुलेटर, ठीक है, 20 एक्यूमुलेटर को इसमें जोड़ा गया था। 20 एक्यूमुलेटर को एक साथ लेकर के बनाया गया था, और इसमें क्या था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन के लिए किया जाता था और IBM में किया जाता था। इसका आविष्कार JP एक्टर और जॉन मॉचली ने सन 1946 ईस्वी में अमेरिका में किया था। एनियक का जो फुल नाम है, फुल फॉर्म है, या फिर आप इसको समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियक को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब है हमारा अगला एडसेक। ठीक है, एडसेक, इस कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो यह पहला प्रोग्राम
यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार मॉरिस विकल्स द्वारा सन 1949 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो एडसेक जो है वो पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। यह फर्स्ट हमारा जो है डिजिटल कंप्यूटर था प्रोग्राम संग्रहित, जिसका आविष्कार किसने किया था, मॉरिस विकल्स द्वारा सन 1949 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था, ठीक है। एडेक्स का जो फुल नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए एंड लास्ट वन जो हमारा है कंप्यूटर का इतिहास में, यूनिवैक, ठीक है। तो यूनिवैक जो है हमारा, यह सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका आविष्कार जे प्रेपर्स एक्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने सन 1951 में अमेरिका में किया था। यूनिवैक का पूर्ण नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर के इतिहास में जो लास्ट टॉपिक था हमारा यूनिवैक के बारे में। तो यूनिवैक क्या है हमारा, यह जो है जनरल पर्पज़ के लिए, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सामान्य जो भी कार्य हैं उनको करने के लिए। यह प्रथम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका आविष्कार जो है जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने सन 1951 ईस्वी में अमेरिका ने किया था, ठीक है। यूनिवैक का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। चलिए तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बेसिकली कंप्यूटर का इतिहास हमारा टॉपिक था। इतना ही आप सभी को इस लेक्चर में बताना था, लेक्चर नंबर ये थर्ड है। तो इसमें हमको क्या बताना था, कंप्यूटर की हिस्ट्री, सबसे पहले कौन से कंप्यूटर आए, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, क्या वर्क पहले था, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो क्या नया बन के आया कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको शॉर्ट डिटेल्स ही जाना था, ज़्यादा आपके को इसके बारे में लॉन्ग नहीं जानना था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सब एक बार जो है रिवाइज करवा देता हूँ। पहला था हमारा एबेकस, जो सबसे पहला सरल यंत्र है, सरल मशीन है, सबसे इजी मशीन था जो है। इसका यूज़ किस लिए किया गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। फिर आया हमारा सेकंड नंबर पास्कलाइन, यह जो है फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन होता है, यह घड़े के सिद्धांत पर वर्क करता है। उसके बाद है जेकॉर्ड्स लूस, जो है यह बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। फिर आया हमारा डिफरेंस इंजन, इस मशीन में जो था वो क्या वर्क था कि दशमलव के 20 स्थान तक ये सुत्तापूर्वक इसका जो है मान ज्ञात कर सकता था। फिर आया हमारा एनालिटिकल इंजन, तो जो है यह सबसे इसका जो वर्क था यह था कि यह किसी भी प्रकार की जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला थे, मैथमेटिकल जो थे वर्क थे, उसको वो कर लेता था। फिर आया हमारा टैबुलेटिंग मशीन, तो इस मशीन का यूज जनगणना हेतु किया गया था। मार्कोन आया फिर, तो यह मार्कोन जो था वो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, ठीक है। फिर आया हमारा एनीएक जो था उसमें 20 एक्यूमुलेटर लगे हुए थे, उसको मिला करके बनाया गया था, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा आया एडसेक जो था वो भारत जो है पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। एडसेक का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आया हमारा यूनिवैक जो था वो हमारे सामान्य पर्पज के लिए यूज किया जाने वाला था। इसका आविष्कार जो है वो भी अमेरिका में हुआ था। इसका फुल फॉर्म जो था वो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। तो इतना टॉपिक आप सभी को इस लेक्चर में बताना था, लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर फोर्थ हमारा जो है वो नेक्स्ट है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में क्या कंप्यूटर था, उसमें क्या क्या फीचर्स थे, या फिर उसके अंतर्गत क्या था, उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, ठीक है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसकी क्या स्पीड थी, उसमें क्या भाषा समझ में आता था, क्या उसमें बेनिफिट था, या फिर उसके अंदर क्या लगे हुए थे, तो ये जो था वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर फोर्थ जो है कल अपलोड होगा, आपके सभी के लिए लाइव चलेगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें जो है बताई जाएंगी। लेक्चर नंबर थर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हर एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे। और पीडीएफ आपको कंप्यूटर का जो चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर की परिचय, इसको कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना आपका वर्क है, क्योंकि सभी के पास वीडियोस पहुंचेंगी तो सभी स्टूडेंट्स का एक साथ हेल्प हो जाएगा। तो शेयर सब्सक्राइब ये आपको करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।